दोस्तों आइए मैं अगले शायर को आपके साथ आपके रूबरू करूं, जो बात भी बड़ी आहिस्तगी से करता है, सांस भी बड़ी आहिस्तगी से लेता है, जो मेरी मुराद खलील चेकर साहब से नागपुरी, मैं उनको इन मिसरों से आवाज देता हूं कि झूठी सियासतों के पुजारी नहीं है हम, झूठी सियासतों के पुजारी नहीं है हम, बेताज बादशाह है भिखारी नहीं है हम, झूठी सियासतों के पुजारी नहीं है हम, बेताज बादशाह है भिखारी नहीं है हम, हमने शिकार जब भी किया शेर का किया, मासूम हिरनियों के शिकारी नहीं है हम, और दुनिया नचाने वाला हुनर याद है हमें, हमने शिकार जब भी किया शेर का किया, मासूम हिरनियों के शिकारी नहीं है हम, दुनिया नचाने वाला हुनर याद है हमें, बंदर नचाने वाले मदारी नहीं है हम। जनाब खलील चेकर साहब। आरवी शहर में क्या कहने हैं, अच्छे अच्छे अशआर सुनने को मिल रहे हैं आरवी में। हजरत मुन्ना बाबा की मौजूदगी में यहाँ थोड़ी सी एक तिश्नगी थी, मैं नातिया एक कथा पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपने गज़ल का आगाज करूँगा। महफूज भाई और हमारे तमाम बिरादरान इस्लाम, हजरत गिरामी एक नात शरीफ का कथा समाप्त करें, शायद किसी काबिल हो। डूब कर नबी के इश्क में, आहा, साहिबे जमाल हो गया, क्या कहने था जमी पे जो वही, कितना बा कमाल हो गया, जर्रा था जमी पे जो वही, कितना बा कमाल हो गया, इश्क का ये सिलसिला कहूँ या नबी का मौजज़ा कहूँ, एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल, कहने जोरदार इस्तकबाल कर दीजिए, बहुत अच्छा है। खलील चेकर साहब नागपुर की सरजमीन से तशरीफ लाए, खलील चेकर साहब बहुत अच्छा मतला पेश किए, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। काले रंग का हजरत बिलाल हो गया, एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। हजरत गिरामी नात शरीफ बहुत हुआ करती हैं, हम सुना करते हैं, फैज़याब होते हैं। एक मैंने कोशिश की है एक कथा समाप्त करें, जावेद भाई बतौर ख़ास के ये दो जहाँ का दर्पण भी मेरे हुजूर से है, हाँ ये कायनात रोशन भी मेरे हुजूर से है, हाँ ये कायनात रोशन, पढ़ा तो करो ने शजर ने भी गवाई, ये हिदायतों का गुलशन भी मेरे हुजूर से है, ये बहुत अच्छा है खलील भाई। यतों का गुलशन भी मेरे हुजूर से है, हाँ ये कायनात रोशन। हजरत गिरामी बीच में माँ के ताल्लुक से बहुत सारे शेर कहे गए, मैं चाहता हूँ एक कते से मैं शुरुआत करूँ गजल की। जी बिल्कुल, कथा समाप्त करें हजरत जी, पढ़ेगा इंशाल्लाह जी, मैं पढ़ता हूँ, आप इंशाल्लाह बहुत मदहोश हो जाएंगे इंशाल्लाह। महफूज भाई पिछली बार बड़े
हम लोगों का एक मामला हुआ था, मैं सुना नहीं पाया, आज ऐसा मौका लगा है कि गजल सुनाने का मौका आया। जी गजल पढ़िए खलील भाई, मैं भी चाहता ये हूँ कि आपसे गजल सुनूं। कथा पढ़ दूं? कथा पढ़ दूं? कौन सा? अच्छा, आज जो है हमारे जिया भाई का जश्न है, मैं चाहता हूँ अपना एक मतला और एक मकते को थोड़ा सा तरमीम करके इनकी नज़र कर देता हूँ, तो मेरी हाजिरी कबूल हो जाएगी कि एक बार अफरोज भाई के लिए तालियों से उनका इस्तकबाल कर लें कि मैं मतला उनकी नज़र कर रहा हूँ कि महफूज भाई हमारे एक ऐसे सामाजिक कार्टून है कि जिनका नाम मैंने नागपुर में लिया और वहाँ भी लोग इनको जानते हैं, हमारे कारपेंटर साहब को भी जानते हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वाह वाह वाह। ज़ईफ माँ है मेरी तू हयात रहने दे, लरजते हाथ सही मेरे साथ रहने दे, है मेरे भाइयों ने दे दे तू दुनिया की खुशी, मेरी हयात में मेरी निजात रहने दे। बहुत अच्छा है। मेरी हयात में मेरी निजात रहने दे। और मतलब देखे के ठहर के जैसे कोई बात करने वाला था, ठहर के जैसे कोई बात करने वाला था, बिछड़ गया जो सफ़र साथ करने वाला था। और भाई मेरे कहाँ है जी पढ़िए साहब। फारूक वो भी तेरे सामने नहीं आया, फारूक वो भी तेरे सामने नहीं आया, मुकाबला जो तेरे साथ करने वाला। क्या कहने, बहुत अच्छा है भाई। वाह वाह वाह। मुकाबला जो तेरे साथ करने वाला था। गजल का मतलब देखे, गजल कई सिमत से कही जाती है, समाप्त करें हजरत हमारे महफूज भाई, मतलब पेश करता हूँ भाई। ये शेर दोबारा पढ़ दें जो आपने बोले फारूक जी, दोबारा पढ़ दें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए खलील। कोई ठहर के जैसे कोई बात करने वाला था, ठहर के जैसे कोई बात करने वाला था, ठहर के जैसे कोई बात करने वाला था, बिछड़ गया जो सफर साथ करने वाला था, बिछड़ गया जो सफर। और मतलब गजल का समाप्त करें जी पढ़िए। वो जो तौलते हैं मुझको उन्हें खुद खबर नहीं है, वो जो तौलते हैं मुझको, मतले से शरीक हो जाए इंशाल्लाह मजा आएगा। वो जो तौलते हैं मुझको उन्हें खुद खबर नहीं है, वो जो तौलते हैं मुझको, वो जो तौलते हैं मुझको उन्हें खुद खबर नहीं है, मेरा कारोबार सच है मुझे कोई डर नहीं है, बहुत अच्छा है खलील भाई। कारोबार हक है मुझे कोई डर नहीं है, वो जो तौलते हैं मुझको। शेर समाप्त करें हजरत। जो दिलों पे राज करके कहीं शहर था बसाया, जो दिलों पे राज करके, जो दिलों पे राज करके कहीं शहर था बसाया, वो मुझी से कह रहा है मेरा कोई घर नहीं है, वो मुझी बहुत अच्छा से कह रहा है
मेरा कोई घर नहीं है वो जो तालते हैं मुझको, था लुटा हुआ मुसाफिर वही चीख कर तो बोला, था लुटा हुआ मुसाफिर वही चीख कर तो बोला, ये जो तुमको दिख रहे हैं कोई राहबर नहीं है वो जो तालते हैं मुझको। और ये भी शेर समाप्त कर लें, मुझे लाइलाज कहना सरासर गलत है सुन लो, मुझे लाइलाज कहना सरासर गलत है सुन लो, मुझे लाइलाज कहना सरासर गलत है सुन लो, मेरे दर्द दिल से वाकिफ मेरा चारा घर नहीं है, मेरे दर्द दिल से वाकिफ मेरा चारा घर नहीं है वो जो तौलते हैं मुझको। एक मतला समाप्त करें हजरत गिरामी, मैं देख रहा हूं कि इतनी संजीदगी से तो उस हिसाब से गजल सुनाना पड़ेगा, मतलब समाप्त करें। ऐसा इंसान कब संभलता है, ऐसा इंसान कब संभलता है, ऐसा इंसान कब संभलता है जो हवा के खिलाफ चलता है, जो हवा के खिलाफ चलता है, रोज करता है अक्स पर तनकीद, रोज करता है अक्स पर तनकीद, रोज करता है अक्स पर तनकीद, रोज वो आईना बदलता है, रोज वो आईना अच्छा बदलता है। और ये शेर बतौर खास नाज़िम मुशायरा, ये एक नई तरतीब देखें जी। आस्तीनों तलक नहीं महदूद, आस्तीनों तलक नहीं महदूद, आस्तीनों तलक नहीं महदूद, सांप कालर से भी निकल क्या कहने है, अच्छा है सांप कालर, सांप कालर से भी निकॉलर से भी निकलता है, सांप कालर से भी निकलता है, आस्तीनों तलक नहीं महदूद, सांप कालर से भी अच्छा निकलता है। और कुछ नौजवान दोस्त हैं उनके लिए भी ये शेर पढ़ दूं। याद आता है आपका चेहरा, याद आता है आपका चेहरा, याद आता है आपका चेहरा, चांद बदली से जब निकलता क्या है, कहने चांद बदली से जब निकल, याद आता है आपका चेहरा चांद बदली से जब निकलता है, जिस्त का दायरा न खींच खलील, जिस्त का दायरा न खींच खलील, वक्त भी जाविया बदलता है, वक्त भी जाविया बदलता है। एक मतला एक शेर, फिर मैं अपनी जगह आरवी की मोहब्बत में इरशाद आली, ये भी मतला समाप्त कर लीजिए। देखूं तो मुश्किलों की कहां तक उड़ान है, देखूं तो मुश्किलों की कहां तक उड़ान है, देखूं तो मुश्किलों की कहां तक उड़ान है,
माँ की रदा का सर पे मेरे आसमान है, माँ की रदा का सर पे मेरे आसमान है। और महफूज भाई की नजर कर रहा हूँ, ये शेर मतला सानी देखे पड़े पड़े। मेरी गवाही पे मेरे भाई की जान है, मेरी गवाही पे मेरे भाई की जान है, मेरी गवाही पे मेरे भाई की जान है, मेरे भाई की जान है। अच्छा है। कितना कठिन ये आज मेरा इम्तिहान है, कितना कठिन ये आज मेरा इम्तिहान है। शुक्रिया।